स्कूप को होल्ड करके सर रखना है और ईटी ट्यूब को हम प्लेस करते हैं। हमें वहां पे देख रहे हैं और ईटी ट्यूब को कितना अंदर तक डालना है वो डिपेंड्स डॉक्टर कितना वो अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। नंबरिंग होती है 22 तक 24 तक मैक्सिमम आई थिंक चलते हैं। ईटी ट्यूब को जब अंदर इंसर्ट करने के बाद हम स्कोप को फिर स्लोली निकाल लेते हैं। ये हमें फिर ये दिखे जो ट्रैकियल रिंग्स दिख रहे हैं कि हमें ये फिर पता चलता है कि हाँ हमारा ईटी ट्यूब जो है वो ट्रैकिया के अंदर पहुँच गया है। हम अंडर द विजन ये इसको निकाल लेते हैं। तो जो मोस्टली क्या है ना कि अपन जो जैसे ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो माउथ से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा ना ट्रॉमा करने का चांस रहता है नेजल में। तो इसमें क्या होगा सर अगर जैसे जो कुछ पेशेंट्स में होता है कि जो गुटखा और ये सारी चीज़ें खाते हैं माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाती है। ये जो इनका ये जो है मैंडिबल ये ओपन नहीं होता है। ये इनका जॉ जो होता है जब आप लेकिन कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको नेजल के थ्रू जब जाएंगे उससे इससे ज़्यादा ही स्पेस मिलेगा माउथ में। तो सर मिलेगा यहाँ से भी मिलेगा बट जब हम ये यूज़ करते हैं ईटी ट्यूब यहाँ पे जब यूज़ करते हैं तो उसमें जेली लगा के पाथ वही मिलता है। बट हम कितने एक्सपर्ट हैं और हमारी हैबिट कैसी है फ्लेक्सिबल स्कोप किसके साथ में। यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ में मैं इसके साथ में आपको एक बार दिखा रहा हूँ नॉर्मली जो आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं आप ये आपको वीडियो लगेंगे ये किंग विजन वीडियो लगेंगे उसका बैटरी पे चलता है 3 सेल रखती है। ये नीचे की तरफ ही रहेगा क्योंकि हम बैटरी को जब निकालना होता है तो हम इसको ऊपर की तरफ खींच देंगे तीनों बैटरी निकल जाएंगी। इसको अगर हमने ऊपर कर दिया नीचे वाली बैटरी निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है। बैक साइड जो बटन है ये बैक साइड जो बटन है इसको हम सिंगल प्रेस जब करेंगे सिंगल प्रेस मैंने किया ये मॉनिटर स्टार्ट हो गया और उसके बाद अगर हमें इसको ऑफ करना है तो 3 सेकंड्स के लिए शॉर्ट ये प्रेस करके रखते हैं मॉनिटर ऑफ हो जाता है। तो ऑन एंड ऑफ करना इस तरीके से करना है सिंगल प्रेस किया मॉनिटर स्टार्ट हो गया। तो इसके साथ में एडल्ट साइजेस की 4 ब्लेड्स आई हुई हैं 3 चैनल्ड है और 1 नॉन चैनल्ड है। प्रॉपर माउथ ओपनिंग जो होती है वो 17 mm तक होती है। तो उसमें जब आपको यूज करना होता है तो आप ये चैनल ब्लेड आसानी से यूज कर पाते हो बट अगर माउथ ओपनिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर उससे कम है तो हम ये नॉन चैनल यूज करते हैं। नॉन चैनल दोनों में डिफरेंस ये है ये आप देखेंगे तो इसमें एक चैनल बना हुआ है। चैनल ये हमें एक रास्ता देता है कि इसी रास्ते से जब ईटी ट्यूब को पुश करेंगे तो वो आपका एक वोकल कॉर्ड तक सेम डायरेक्शन मिल जाएगा बट इसमें नहीं मिलता है। ये प्रॉपर माउथ ओपनिंग है तो उसमें यूज करते हैं सर और ये अगर माउथ ओपनिंग 13 तक है उससे कम है तो हम उसमें ये कर सकते हैं। बट इसके साथ में हमें स्टिलेट या बूजी यूज करना पड़ता है। स्टिलेट को हम ईटी ट्यूब में डाल करके फिर वो फोल्ड करके इसके थ्रू फिर हम जाते हैं क्योंकि मैं चैनल यूज करूँ। इसको यूज करने करते समय जब पेशेंट पे यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ये एनाटॉमिकल कर्व शेप है। सपोज हमने मॉनिटर को लगा दिया पेशेंट जो है ऑब्वियस पेशेंट है वो फैटी पेशेंट है उसको यूज करने में ये चेस्ट के पास में जाके अटकता है तो उस समय पे हम मॉनिटर को पहले हटा देते हैं ये इस तरह से ही यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा जाने की कोशिश करेंगे तो जाएगा ही नहीं बहुत प्रॉब्लम और जा ही नहीं रहा। चलिए पेन को डिप्रेस करते हुए जाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में एनाटॉमिकल कर्व शेप है तो हम ऐसे लगाने के बाद थोड़ा सा ये पुश करेंगे। अभी ये ऊपर की तरफ आ गया तो अब हम मॉनिटर लगा देंगे। मॉनिटर लगाने के बाद सिंगल प्रेस करेंगे और ये स्टार्ट हो जाता है तो हमें व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये जो है यहाँ पे आपका पहले क्या नॉर्मल जो मैकिन टॉर्च है आपका इससे जो इंक्यूबेट करते हैं तो हमें माउथ के अंदर देखना पड़ता है टंग को दिखाना पड़ता है बट इसमें क्या है कि ये जो पार्ट है आपका एपिग्लॉटिस पे ही जाके फिक्स होता है और वो लिफ्ट करता है। तो इसके थ्रू जब हम गए और ये एपिग्लॉटिस पे जाके फिक्स हो गया वो जो पार्ट है वो पार्ट फिक्स हो गया और ये मैं ऐसे उठाऊंगा इसको ये तो ये उठाने के बाद ये सर व्यू देखिए नहीं सर
भी आपको पता चल रहा है, उसमें इंट्यूएट करने तो पता नहीं चलता है क्या में जा रहा है कि अंदर जाने के इंसर्ट करने के बाद ये निकालने की भी एक टेक्निक है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं बाहर निकल जाता और हम इसको ऐसे निकाल देते हैं। मतलब ये मैंने की नहीं, बट अगर लाइव पेशेंट में अगर आप यूज करोगे तो उसमें सिक्रेशंस होता रहता है, आपको एक मिनट के अंदर या बहुत जल्दी 30 सेकंड मैक्सिमम शायद 2 मिनट मिलता है, नहीं तो वो फिर नहीं। लेकिन यदि 1 मिनट के अंदर इंटीबेशन हो गया तो डॉक्टर को भी आता है और पेशेंट के लिए भी ठीक है, कुछ नहीं मतलब उसको आप ईटी ट्यूब को बाद में भी इंसर्ट कर सकते हो जेली लगा के यूज करना, नहीं तो वो फ्रिक्शन जनरेट होता है, जल्दी पुश नहीं होगा। यहाँ पे हम पहले से भी ईटी ट्यूब को लोड कर सकते हैं, हाँ आपका यहाँ तक रहेगा और सेम इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये हमें एपिग्लॉटिस दिखा, हमने इसको उठाया लिफ्ट किया और ये अब कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें ईटी ट्यूब को घुमा दिया तो वो हमें डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो हम इसको भी मूव करते हैं हल्का सा, ईटी ट्यूब की भी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करते हैं मूव करके, तो ये डायरेक्शन चेंज हुआ तो सही जगह चला गया। अगर हमें ईटी ट्यूब का डायरेक्शन इस तरह से चेंज किया तो वो वोकल कॉर्ड में जाएंगे नहीं। ये और ब्लाइंडली इसका बेनिफिट क्या मिलता है सर कि चलो एक्सपर्टीज है आपके पास, उससे आप कर रहे हो, आप अंदर तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है ईटी ट्यूब का, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप उसको बार बार घुसा रहे हो, चला तो जाएगा बट वो ट्रॉमा करते हुए जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो आपके लिए ही प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी का फायदा यही है कि आप एक बार में कॉन्फिडेंस के साथ में हाँ भाई सही जगह चला जाए, अगर सपोज ये जो आप पूछ रहे थे कि इससे आसानी से हो जाता है, अगर माउथ ओपनिंग नहीं है ये आपका जाएगा ही नहीं और ये भी आपको मिल जाएगा, किसी का माउथ ओपनिंग तो जीरो फिंगर होता है, सिंगल फिंगर होता है, कंडीशन उसको सरकार तो उस कंडीशन में तो फिर हम हमारे लिए सबसे बेस्ट जो है फ्लेक्सीबल ब्रोंकोस्कोप है, फ्लेक्सीबल नोजल से भी ज्यादा आई थिंक ट्रॉमा नहीं होता मोस्टली जो जहाँ तक एक्चुअली जैसे अपन राइट स्ट्रिप जो डालते हैं तो इससे मतलब राइट स्ट्रिप का जो डायमीटर है इससे काफी बहुत कम छोटा होता है, इसके बावजूद जो यहाँ पे जो कोयना है पोस्टीरियर कोयना जो नर्व ओपनिंग में आप जो नर्व के थ्रू जाएंगे तो कोयना आता है तो उसमें वो बस वहीं पे एक समस्या है, वो थोड़ा सा यदि वहां से क्रॉस कर तो इसमें क्या होता है कि वो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है स्कोप के। अब देखिए राइस ट्यूब कैसे डालते हैं, ऐसे ब्लाइंडली डालते हैं वो तो ब्लाइंड डालते हैं। इसमें क्या होता है कि राइस ये आपका ईटी ट्यूब ऑलरेडी इसमें लोड हुआ है और जेली भी हम यूज करते हैं, नहीं अब जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट वो जो स्पेस है ना, हाँ बस वो कम होता है, अदरवाइज ये तो सबसे अच्छी बात है ना, ये पूरा दिख रहा है, अपन लोड भी कर चुके हैं, इधर उधर भी नहीं जाएगा, जाना वहीं जाएगा, बट वहाँ ये यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस का बहुत दिक्कत है, ये साइज तक तो आई थिंक चला भी जाएगा इससे जो सर। इसमें क्या होता है कि जब ईटी ट्यूब को हम इस पर लोड कर लेते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारा स्कोप बेंड हुआ है वो उसी पे होते हुए जाता है, और राइस ट्यूब जब जा रहा है जैसे स्कोप ही समझ लीजिए राइस ट्यूब है, हम इसको अगर डायरेक्शन न दें और इसको हम ऐसे डायरेक्शन न देके हम इसको पुश करें, देखिए यहाँ अब यहाँ पे ये टच हो रहा है, यहाँ पे टच होने के बाद ये उसको टच करते हुए ट्रॉमा करते हुए जाएगा, बट हम इसको अगर डायरेक्शन दे रहे हैं डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं तो ये देखिए बेंड होता हुआ चला जाएगा, तो ईटी ट्यूब जब डालते हैं इसके ऊपर से जब जाएगी तो वो डायरेक्शन उसको मिलता हुआ जाएगा, वो कहीं जाके अटकेगा नहीं। ठीक, मतलब हमारे पास दोनों व्यवस्था है। हाँ सर वो भी है, ये आपका जो है ये लेकिन टॉर्च है जो ब्लाइंड इंक्यूबेट करते हैं, तो इसमें ये एक अलग टाइप की ब्लेड, ये नॉर्मल एम्बू का तो नहीं है, जो प्रोडक्ट आपके पास सप्लाई हुआ है सारी चीजें जो हमारे पास डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप है वो दूसरा है, उसमें अलग अलग ब्लेड्स मिली हुई ये यूजुअली अवेलेबल नहीं ओके ये आपके पास ही है अलग ब्लेड रहता है इसको पढ़ते जरूर हैं हम लोग लेकिन ये दिखता नहीं। अब अगर इससे करना हुआ तो मैं भी समझ ही नहीं पाऊंगा मुझे कहाँ जाना है। तो डायरेक्शन नहीं मिला क्योंकि मैंने इससे कभी किया ही नहीं, इसके लिए तो चैनल है नहीं, आपको बुकिंग या फिर स्टिलेट
यूज ही करना पड़ेगा तब से ही करते हैं स्टेलर से ही करते हैं ना सर फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए सर ये आपका ब्रोंकोस्कोप है इसके साथ में फोर्सेप्स तो नहीं आए हैं अच्छा इसमें मतलब जैसे ये प्लेट डिफ्लेक्ट करने का जो व्यवस्था है ना इसमें नहीं है ना नहीं सर उसमें कई बार जैसे एक जो रिजिड ब्रोंकोस्कोप आता है तो उसमें भी वो तो कर होके निकल जाता है इस फॉरेन बॉडी मान के चलिए कॉइन चला गया ट्रक में या कहीं इसमें तो हैंडल ही होता है सर वहाँ से ऑपरेट करने हाँ ऐसे करके होता है मतलब आखिरी में फॉरेन बॉडी के नीचे आप बता रहे थे ना जो रिजिड ब्रोंकोस्कोप होता है रिजिड ब्रोंकोस्कोप में भी फिर भी उसमें आपका फोर्सेप अटैच ही होता है वही अटैच अटैच करते ही है फिर वो जो सीजर जैसा होता है ऑपरेट करने के सिंगल फोर्स वो सीरिएटेड जॉ होता है जो कॉइन को मैं क्या बोल रहा था कि एक अगर कोई क्या बोलते हैं वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी है तो इसमें सक्शन तो हो रहा है तो अगर सक करके भी हो सकता है सर पकड़ में नहीं आएगा वो छोड़ जाएगा क्योंकि सुपर आ जाएगा आएंगे छोटे माइनर पार्टिकल्स तो आएंगे वो है जैसे और एक मैडम थी जैसे ट्रैकिया में सर छोटे पार्टी बच्चे कभी कभी कुछ खाते समय कुछ चला गया वो सारी चीजें आप इसका फोर्सेप आता है 110 सेंटीमीटर का फोर्सेप होता है इसकी लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर है और ये 10 से 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो वो हमें कम से कम 110 सेंटीमीटर का लोकल आता है एम्बू नहीं बनाती है तो लोकल अगर वो आप परचेज कर सकते हो फ्लेक्सीबल फोर्सेप बायोप्सी और या फिर फॉरेन बॉडी जो आपको चाहिए में थे ना मैडम तो वो कैसे निकालते थे कि जो अपना पुलिस है ना पुलिस को ही डाल देती थी अच्छा और जैसे यहाँ पे लॉज हुआ है फॉरेन बॉडी तो उससे आगे चला जाता था पुलिस इसके बाद जो उसका बल्ब जो होता है उसको बल्ब को इन्फ्लेट कर दिए फिर वो आ गया और उसको खींच दिए तो भग से मतलब हाँ तो वो यदि इसमें ना इस तरह का कुछ होता ना तो हम तो चले जा रहे हैं बहुत अच्छे से विजुलाइज करके हम अंदर चले जा रहे हैं और जैसे यहाँ पे है तो इसको क्रॉस कर दिए इसके बाद इसको इन्फ्लेट कर दिए पॉली से क्या होता है कि चलिए वो निकल तो जाता है बट वो टेक्निकली और मेडिकल टर्म में देखा जाए तो वो सही नहीं है सही नहीं है कहाँ पे जाके अटकेगा कहाँ ट्रॉमा होगा वो सारी चीजें नाम है इसमें चार साइज है सर दो नंबर चार ज्यादा फाइंड आउट करने में है उसके ये ऑटो क्लेवेबल ये आप इसको 40,000 सर ऑटो क्लेव कर दीजिए सर आप केमिस्ट्री से नहीं हम लोग मेडिकल ऑफिस ये अलराउंडर ये पेंसिल शेप में ही पकड़ गई इस तरह से हम यूज करते हैं और ये एनाटॉमिकल कर्व शेप है तो थोड़ा सा चिन को नीचे की तरफ झुकाते हुए हम सिर्फ इंसर्ट कर देते हैं ये इंसर्ट कर दिया वो एनाटॉमिकल शेप है वो जाके ना गैस्ट्रिक एक्सेस को ब्लॉक कर देता है अगर अभी आप अंडर द विजन या आप देखो तो गैस्ट्रिक एक्सेस को ब्लॉक किया रहता है यहाँ से ये ये जो नीचे का पार्ट आपका दिख रहा है ये गैस्ट्रिक एक्सेस को ब्लॉक करेगा जब मैं इन्फ्लेट करूँगा यहाँ से जब मैं इन्फ्लेट कर देता हूँ इन्फ्लेट कर दीजिए ये लॉक कर दीजिए 14 mm तक डाली तो वो जाके ना गैस्ट्रिक एक्सेस को ब्लॉक कर देता है तो एयरवे जब नॉर्मल सर्जरी जो आधे घंटे की सर्जरी होती है उसमें हम इसका आराम से यूज करते हैं इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है और ब्रोंकोस्कोप रखने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप इसको ना अंडर रीजन आप चेक कर सकते हैं सही जगह पे गया हुआ है कि नहीं गया हुआ पूरा एयरवे से रिलेटेड आपका पूरा प्रोडक्ट है ब्रोंकोस्कोप वीडियो लैरिंगोस्कोप और ये आपका मास्क और एम्बो बैग भी आपका सेम जैसे ओटी में यूज होता है आईसीयू में जरूरत पड़ती है वैसे तो यहाँ पे आईसीयू में होगा इसमें सर 6 स्कोप आए आपके साथ 2 पीडियाट्रिक 2 रेगुलर और 2 सबसे बड़ा वाला लार्ज साइज ऑरेंज वाला ये 5.0 कितना बोले 5 mm साइज 5 mm हाँ इसे ऊपर 5.8 जो 5.8 है ऑरेंज वाला हाँ और वो वाला वो 3.8 है जो पीडियाट्रिक है बट उसमें फोर्सेप्स नहीं यूज कर सकते
रेगुलर अगर बच्चों में भी यूज करना है, अगर जैसे रेगुलर 12 साल का बच्चा है तो फॉरन बोर्डिंग करना है तो ये रेगुलर स्कोप है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो किसी को अगर ये एक बार प्रैक्टिस करनी है ब्रोंकोस्कोप और ये चीजें तो आप कर सकते हो। अब बेसिकली मतलब ये जितना ही बताना है एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ। उसके बाद सर अभी इसमें यही सारे प्रोडक्ट्स हैं और तो नॉर्मली इसमें एडिशनल कुछ चीजें ऐड करी गई हैं जो अभी थोड़ा सा आई थिंक ये सारी पंप आपका एयरवे वगैरह ये दिया गया है, इसमें बुजी और एक्सपेरिमेंट भी है। इसको डालते हैं ऐसे ये आपका बुजी और इसमें स्पीकर भी दिया गया है अलग अलग साइज का स्पीकर है, ये आपका स्पीकर है इसमें स्पीकर है तो अलग अलग साइज के स्पीकर दिए गए हैं, बुजी है आपका अच्छा ये नया चीज़ है, ये स्टिलेट क्या है इसी के अंदर डाल दिए ताकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा गाइड वायर टाइप सी गाइड वायर दिए ठीक है, लेकिन ये वो स्टिलेट का तो स्प्रिंगेबल नहीं है, मतलब ये है आप लोग ना अच्छे से देख लो कि कौन कौन सा चीज़ क्या क्या साइज में है क्या है क्योंकि बुलाते ही आप जब रिस्ट को टिल्ट करोगे ना तो इधर ही आएगा डायरेक्शन में रिस्ट को टिल्ट करोगे तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आई थिंक स्ट्रेट है ये हाथ हमारा यहाँ रहेगा ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे ही रहेगा धीरे धीरे जाएगा है ना। अब देखो पोस्टीरियर कॉर्नर है नाक आ गया ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं इसमें जा रहा है ये चला गया ठीक है। अब आपका कौन सा आएगा बताइए सर, ये हाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपको स्वयं जाना है हाँ ये ठीक है तो सही ठीक है ठीक है। ये माहौल एक्चुअली क्या है ना जब जैसे जो मैडम लेप्रोस्कोपिक मतलब लेप्रोस्कोपिक कोई भी सर्जरी करते हैं यहाँ स्क्रीन लगाता है वहाँ है ना देखे ही हो गया स्विच किया हो गया फिर वो वहीं देखते देखते ना पूरा काट कूट के यहाँ रख लेते हैं समझे, तो उसी प्रकार ये है ठीक है। इधर गए थोड़ा सा बैग गया, इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सर, इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसमें ना और फोटो भी खींच सकते हैं, फोटो का और रिकॉर्डिंग करते समय भी आप फोटो खींच सकते हैं वो तो सेम मोबाइल सिस्टम। हाँ दिस इज कॉल्ड वी सेव वोकल कोड एंड वोकल बॉक्स, ये जूमिंग भी कर सकते हैं दो बार क्लिक करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब और नीचे जाएंगे और डिसेंड करेंगे और डिसेंड 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 ये देखो ये मेन ल्यूमन है ये जा रहे हैं और जा रहे हैं दिस इज पोस्टर क्या बोलते हैं आपका बाइफर्केट आपका ये जो स्थिति है ना मेरा ये ऐसी स्थिति रहना चाहिए है ना ऐसी रहना चाहिए ताकि ऐसे जा रहे हैं ये देखो और गया ये आ गया आपका क्या बाइफर्केशन है ना दोनों दो लंग्स के लिए प्राइमरी टच किया यहाँ से हो जाता है अभी बहुत अंदर डाल दिए कहने मतलब यहाँ तक आप डाल जबकि आपको इतना ही डालना उसके लिए मतलब एक मेजरमेंट कर रहा है यदि ये रहता तो इसको खुला देते हैं आपको कब फिर इसको धीरे 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 ऐसा करके।